मेरी माया, 6 साल बाद मिल रही हूँ उससे। मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था। ऑटो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि हमारी कहानी भी उन परियों जैसी है, वो प्यारी शैतान लड़कियाँ। मोनो कोटलीडान, दाई कोटलीडान। जान दे रही हो ना? तू अभी भी कच्चा है। ओ हाँ, आम की गुठलियाँ तो मोनोकोट है ना? क्या फर्क पड़ता है, जब आम ही खा रहे हैं तो गुठलियाँ क्यों गिने? तुम लोग आम क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम दोनों थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती क्या? रुको, 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 रुको। भाग कहाँ रही हो? चोर कहीं की। हम हमेशा साथ रहते थे, बिल्कुल बहनों की तरह। अच्छी तरह याद है वो दिन। क्या, थोड़ा जल्दी नहीं है? मतलब कि तुम अभी सिर्फ 13 साल की हो। पर माँ की भी तो शादी जल्दी हुई थी, और फिर बाद में अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा, माँ कहती है। उसने अपना फैसला कर लिया था, या फिर उसके लिए कर लिया गया था और उसने मान लिया। मैंने उसके लिए हमेशा खुशियां मांगी। ठीक हो जाओगी मेरी प्यारी बदमाश। क्या, तुमने ये आम रामू काका के पेड़ से निकाले है ना? माया चल बसी। बार बार गर्भपात और खराब स्वास्थ्य के कारण इतनी छोटी उम्र में उससे गृहस्थ और शादीशुदा जीवन नहीं संभाला गया। मैं अपनी शर्म और दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने दुनिया में माया जैसी औरतों की मदद करना शुरू किया, 55 औरतों को बचाया। शायद यही मेरा पश्चाताप है, माया को ना रोकने का। हमारा हक है बाल विवाह को ना कहने का, ताकि इस दुनिया में माया जैसा हाल किसी का ना हो। तो कौन है मेरे साथ? मैं हूँ। मैं भी। सही उम्र में शादी, एक सुखी और स्वस्थ परिवार का जन्म। सभी कहानियों का अंत अच्छा नहीं होता। शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी का ये कदम खुद उठाया, और वो भी सही समय पर।